जी क्या ये सड़क गड्ढा मुक्त हो गया? अरे पूरा गड्ढे गड्ढे, पूरा यहाँ से लट्ठू जी से कोटवा तक पूरा गड्ढे गड्ढे दिखाई देता है। गड्ढे है ना जी सर, गड्ढा नहीं हुआ है, है गड्ढे है, गड्ढे है। राम पड़ेगा ये बताइए कि किस सड़क पे खड़े हम लोग हैं? हम तो गुणौर कोटवा नारायणपुर मार्ग पे खड़े हैं। लट्ठू डी कोटवा नारायणपुर मार्ग में खड़े हैं। इस मार्ग की क्या हालत है? बुरा हालत है, बहुत बुरा हालत। प्रतिदिन दुर्घटना का संभावना रहता है, होता भी रहता है। गड्ढा तो है, दिखाइए दे रहा है। तो यार कह है कि क्या नाम पड़ेगा आपका? उमेश पड़ेगा हमारा। उमेश पड़ेगा जी, गाड़ी शुरू चलाते हैं जी जी। तो ये गड्ढा है कि नहीं? गड्ढा है, देखिए गड्ढा है ना जी। तो गाड़ी चलाते हैं? रोज चलाते हैं। आप घर कहाँ पड़ेगा आपका? यहीं पड़ेगा। कहाँ? यहीं घोड़ा। क्या नाम पड़ेगा? कमला। कमला जी, गड्ढा बा ना? आप राम पड़ेगा, आप साहब राम। ये बताइए कि किस सड़क पे खड़े हम लोग हैं? हम तो गुणौर कोटवा नारायणपुर मार्ग पे खड़े हैं। लट्ठू डी कोटवा नारायणपुर मार्ग में खड़े हैं। इस मार्ग की क्या हालत है? बुरा हालत है, बहुत बुरा। प्रतिदिन दुर्घटना का संभावना रहता है, होता भी रहता है। अच्छा, इसका कोई भी निर्णय नहीं है कि बनेगा या नहीं बनेगा। हाँ, चिप्पी मारने का आदेश है तो चिप्पी भी ढंग से नहीं मारा जा रहा है। हाँ, वो भी मारा गया है तो कहीं गड्ढा है तो कहीं ऊंचा है। अच्छा, गाड़ी उस पर भी फिसल जा रही है। चिप्पी भी नहीं ठीक से मारी, ठीक से चिप्पी पूरी भी नहीं मारी गई। हाँ, किलोमीटर मारी गई है। हाँ, ठही ठही पर मार दिया गया है, दिखा दिया गया है कि नहीं, रोड फ्रेशिंग हो गया है। अच्छा, अभी देखिए यहाँ से वहाँ तक देख ही रहे हैं आप लोग। यहाँ से 2 किलोमीटर तक देख लीजिए इधर, यहाँ से 4 किलोमीटर इधर देख लीजिए। हाँ, पूरे रास्ता ऐसे ही हालत है। अच्छा, रोज प्रतिदिन दुर्घटना का व्यवस्था है कि होता रहता है। मदन। मदन क्या? मदन राजभर। मदन राजभर जी, ये बताइए मदन राजभर जी के यहाँ पे जो सड़क है ये गड्ढा है कि नहीं है? तो सब आपको भी देखता है ना, गड्ढा है। अच्छा, गड्ढा है ना? हाँ। अच्छा, तो गड्ढा नहीं हुआ अभी? कहाँ बना हुआ है, अभी तो आप देखते नहीं है। इसी तरफ मैं कंकड़ पड़ा हुआ है। अच्छा, बेटा कहाँ नाम पड़ेगा आपका? रोहित। रोहित जी, ये बताओ कि घर कहाँ पड़ेगा आपका? गुणाऊ। घरों घर पड़ेगा जी। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा? रोहित। गोल, ये गड्ढा खत्म हो गया कि बाकी है अभी? गड्ढा खत्म होता तो लगता है जी, कागज में खत्म हो ही गया होगा। कागज में खत्म हो गया होगा। हाँ, धन्यवाद। मैं इस वक्त जनपद गाजीपुर में प्रसिद्ध क्षेत्र लट्ठू डी टू कोटवा नारायणपुर मार्ग पे मौजूद हूँ, और ये मार्ग बहुत प्रसिद्ध मार्ग है, और ये मार्ग प्रधानमंत्री योजना अंतर्गत इस मार्ग का निर्माण कराया गया था विगत 5-6 साल पहले। और इस मार्ग की क्या हालत है और क्या हालत है, खुद आप जनता की जबानी भी सुनेंगे और अपने भी देखेंगे। और अभी हमारे 29 नवंबर के रोज़ मोहम्मदाबाद शहीदी धरती पे भारत प्रेमी लोगों इकट्ठा होकर के इसी गांव के कृष्ण राय की भी इसी क्षेत्र में हत्या भी हुई थी, और इसी का बयान लेकर करके हर पार्टियों को गाली दी जा रही थी, और यहाँ के राजनीतिक भारतीय जनता पार्टी के जो नेता आए थे वो पूरी बखान कर रहे थे अपनी सरकार की कि हमारी सरकार पूरे भारतवर्ष में जैसा सरकार नहीं सकती है, जितना विकास किया गया है इतना विकास कहीं नहीं हुआ है। लेकिन विकास कितना हुआ है, खुद कृष्णानंद राय के गांव जाने वाले रास्ते को देख करके पूरे भारत के लोग ये निश्चित फैसला करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या झूठ बोलते हैं या सच्चाई है। लेकिन सच्चाई तो सच्ची बात ही है कि हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सपना था कि पूरा गड्ढा मुक्त हो जाना चाहिए था 30 नवंबर तक, लेकिन आज कितना है, 5 दिसंबर हो चुका है, आज तक गड्ढा मुक्त हमारा उत्तर प्रदेश नहीं हो पाया है। इस उत्तर प्रदेश का वो भी क्षेत्र नहीं हुआ पाए जहाँ कृष्णानंद राय का गांव है, जिसके नाम से पूरा भारत में हडोरा पीटा जाता है। 22 न्यूज़ हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन करता है कि आपके
आँख में धूल ढोका जा रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश गड्ढा मुक्त हो गया है, गड्ढा मुक्त नहीं हुआ है, यकीनन गड्ढा मुक्त नहीं होगा। तो हमारे भाई साहब, हम लोग कहाँ खड़े हैं? यहाँ गणौर के बगल में साइज में पुल है जी बाबा का। ये सड़क कहाँ से कहाँ जाती है? ये लकड़ी से कोटवा नारायणपुर तक। लकड़ी कोटवा नारायणपुर से जी। क्या ये सड़क गड्ढा मुक्त हो गया? अरे पूरा गड्ढे गड्ढे, पूरा यहाँ से लकड़ी से कोटवा तक पूरा गड्ढे गड्ढे दिखाई देता है। गड्ढे है ना जी सर, गड्ढा नहीं हुआ है। है गड्ढे है, गड्ढे है, गड्ढे गड्ढे है। क्या नाम पड़ेगा आपका? चौथी सहानी। चौथी सहानी जी। रोज जाते आते हैं? रोज जाते आते हैं हम लोग। सब गाड़ी के माल ढोते हैं, बताएंगे आपको कितना गड्ढा है, हुआ है कि नहीं हुआ है। गड्ढा तो है, दिखाइए दे रहा है। ओ यार है कि, क्या नाम पड़ेगा आपका? उमेश पड़ेगा हमारा। उमेश पड़ेगा जी। गाड़ी क्यों चलाते हैं जी? जी तो ये गड्ढा है कि नहीं है? गड्ढा है, देखिए है ना जी। कौन गाड़ी चलाते हैं? रोज चलाते हैं। आप घर कहाँ पड़ेगा आपका? यहीं पड़ेगा। कहाँ? यहीं घोड़ो। क्या नाम पड़ेगा? कमला। कमला जी, गड्ढा बा ना? हाँ। अंकित त्यागो जी, उधर की गड्ढा मुक्त हो गया कि बाकी अभी? कौन ये गड्ढा खत्म हो गया? गड्ढा मुक्त हो गया हो तो लौटता है।